हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे, हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, हम 1 साल का 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को, हम पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिंजेस्ट कानून बनाएंगे। आर यू कॉमेडी मी? प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, उनके बदनाम बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। तू है कौन रे? गरिमा जी चिपकेगा नहीं ना, बेकार आप कोशिश करें, नहीं चिपकेगा, ये हमारी रगों में नहीं है। आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है। मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे रग रग में है, यही कांग्रेस की रग रग में है, यही घमंडियों की रग रग में है। देखिए हर जगह हाय मुस्लिम हाय मुस्लिम, मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में, सर फोड़ लेंगे, मुंह नोच लेंगे एक दूसरे का। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, आप देख रहे हैं द डिबेट शो। हाल ही में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ऐसा आरोप बीजेपी के तरफ से लगाया जा रहा है और इस पर सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो जैसा लग रहा है, कांग्रेस को केवल और केवल इस देश में मुसलमान ही दिखता है, हिंदुओं के लिए देने को उनके पास कुछ नहीं है। इसी मुद्दे पर आज की जब News 24 चैनल में हो रही होती है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस के गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत को धोकर रख दिया। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिर तक देखें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी फरेबी जुमलेबाज फेकू कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रचयन करता है। जब इनको 3 दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उलझनूल की बातें की और अब मैं आपको तथ्य बताती हूँ। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण की। हमारे मैनिफेस्टो में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है। चड्ढा समझाओ इसे। पढ़ देती हूँ। We will encourage reform of personal laws. Such reforms must be undertaken with the participation and consent of the communities involved. थोपर हम कहते हैं कि personal laws का reform होना चाहिए। हिंदी में है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी। क्या गलत क्या हमने इसमें? मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलरशिप की, उसमें मुस्लिम्स को, उसमें सिख को, उसमें पारसी को, उसमें बुद्धिस्ट को, उसमें क्रिश्चियंस को मौका मिलता है। जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप का, क्या गलत कहा हमने? सब दुगलापन है। इनके लिए माइनॉरिटी मुसलमान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ, लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ मुसलमानों को 4% आरक्षण देते हैं सुप्रिया, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आपको ये मैनिफेस्टो है हमारा, न्याय पत्र इसका नाम है, इसके 5 स्तंभ हैं और वो स्तंभ है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हम क्या कहते हैं, हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाए हुए 10 साल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे, हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, हम 1 साल का 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को, हम पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिंजेस्ट कानून बनाएंगे कि हाड़ कांप जाए। कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, उनके बदनाम बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इस छात्रवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, पारसीज आते हैं, सिख आते हैं, इनको पता ही नहीं है माइनॉरिटीज क्या है। कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया आपने कर्नाटक में, बीजेपी आई उन्होंने खत्म कर दिया, क्यों करते हैं आप? आती हूँ, पहले मैं बात करूंगी अपनी, जिसके लिए ये बेउत्तर है, निरुत्तर है, इनके पास एक शब्द नहीं है। और मैंने कहा इन्होंने इस देश पर बेरोजगारी का अभिशाप लादा, आज हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहा है। हम कहते हैं 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे, पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे, वापस जैसे नौकरी बहाल होती थी करेंगे। कर्नाटक का प्रश्न मुश्किल है क्या सुप्रिया? अरे एक मिनट रुक जाइए, मेरे मैनिफेस्टो पर चर्चा है, मुझे तो बोलने दीजिएगा, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए, चर्चा तो मेरे मैनिफेस्टो पर। I am sorry, बाबू। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे, उनकी चीजों को GST से मुक्त करेंगे, खाद बीज कीटनाशक इत्यादि। हम कहते हैं हम उनका कर्जा माफ करेंगे, इनकी तरह 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ नहीं करेंगे। और कर्नाटक का जवाब है सुप्रिया, मुझे ये बता दीजिए, कर्नाटक का जवाब है आपके पास? बीजेपी के पास
हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। कर्नाटक का जवाब दे दीजिए कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप क्यों 4% हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ 4% आरक्षण मुसलमानों को क्यों देंगे आप कर्नाटक का? आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। मैंने पूछा सवाल, तीन बार पूछ। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा जैसी प्रखर अगर कर्नाटक पर ना बोले, ये दंश, ये देश सहरा है, ये असलियत है। इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दो चीजें साफ कर दी कि दिमागी और नैतिक दिवालियापन ऊपर से नीचे तक, ढोंग और पाखंड, झूठ और फरेब, फेंकना और जुमले ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे तक आते हैं। 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहें, क्योंकि ये न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की, और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूंगी यहां पर। पहले मैं बताना चाहती हूं, इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, उन लोगों की जो हाशिए पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोषण होता है और सारा संरक्षण आरोपी को देते हैं। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद हो गए और प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्या मुस्लिमों से इतना दिक्कत, इतनी तकलीफ में क्यों रहते हैं? अभी बजा आएगा ना। ये देश सबका है, सबका है, ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। सिर्फ मुस्लिम प्रमोशंस की बात मत कीजिए। लेकिन सुविधा के हिसाब से आप खिलाफ, सुविधा के हिसाब से यही आप करते हैं, आपके रगों में बस गया है। सुविधा के हिसाब से आप रगों में के साथ नहीं, सरकार आपकी बना लेंगे। हुआ है दिक्कत ये है, सुविधा के हिसाब से आपकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमारी रगों में नहीं है, बना लेगी। हम हमारी रगों में नहीं 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 गरिमा जी, चिपकेगा नहीं ना, बेकार आप कोशिश करिए, नहीं चिपकेगा, ये हमारी रगों में नहीं है। आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है। मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे रग रग में है। यही कांग्रेस की रग रग में है, यही घमंडियों की रग रग में है। देखिए हर जगह हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में, सर फोड़ लेंगे, मुंह नोच लेंगे एक दूसरे का। एसपी पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते, ये मुस्लिम लीग में हिंदू मुसलमान में क्यों अटक गए भाई? गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही, क्यों बात करना चाहिए, डिबेट ही क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका विजन है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे? जरा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के, मैं घोषणा पत्र में जा रहा था 48 पेज के डॉक्यूमेंट में, आज तक मुझे एक पन्ने का सिर्फ मुसलमानों पे डोजियर तो आज तक दिखाई नहीं। अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, जरा आप मुझे निकाल के इनके कांग्रेस फाइल के निकाल दीजिए, 2019, 14, 9 उसके बाद 4, 99, 98, 96 एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। पहली बार दे रही है, आप कहती है बात ही नहीं करना चाहिए। इस देश के 82% हिंदुओं को मेजोरिटेरियनिज्म का नाम देके आप नेग्लेक्ट करेंगी, और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। दिल है कि क्या है भैया, दरिया है, गोते लगाते रहिए उसी में, बात तो सही है। लेकिन देश तैयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए। आप एक बात समझिए गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्राफी और भारत की चेंजिंग लिटरेसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जब लिटरेसी रेट 50% से ऊपर गया, तब बीजेपी सत्ता में आई, उसके पहले सत्ता में नहीं आ पाई थी। आज लिटरेसी रेट 82% है। ये हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है, और हम अपोज करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, हम ये कह रहे हैं कि वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन टू स्टडी अब्रॉड। क्यों, हिंदुओं के बच्चे नहीं है, ईसाइयों के बच्चे नहीं है, सिखों के बच्चे नहीं है, वो विदेश में पढ़ने जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी, मुसलमानों के लिए उठाएगी। माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है मैडम? मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। एक मिनट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल आप ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पर बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
के साथ कौन सरकार चला रहा है? आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस का अलाई है वो कहता है ये खुलेआम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, कर्नाटक में केरला में धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं और आपके कहां आप तब बीएलआई बन के चले रहते हैं। वो कहता है कि राहुल गांधी की नामांकन यात्रा में मुस्लिम लीग कहती है कांग्रेस के झंडे नहीं लगेंगे, नहीं तो हमारे झंडे भी लगेंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं 2024 लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।